सबका स्वागत करता हूँ योग नगरी ऋषिकेश यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और निरंतर योग या योग से जुड़ी हुई क्रियाओं का लाभ ले रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको इससे पहले भी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में बताया है कि क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों शरीर में इसकी जरूरत है। तो उसी में एक आता है विटामिन ई। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विटामिन ई होता क्या है। तो विटामिन ए क्या होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे शरीर में, ठीक है, तो उसके साथ आपका आता है ऑयल, अनाज, एग, फल, सब्जी, ये सब चीजें फैट में घुलकर हमारे शरीर में सप्लाई होती है। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी को पूरा करती है शरीर में। ठीक, तो अब मैं ये बताऊंगा आपको कि किन लोगों को दिक्कत होती है, किन लोगों में विटामिन ई की कमी का खतरा बना हुआ रहता है। तो जिन लोगों की बाईपास सर्जरी हो रखी होती है, किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन वगैरह, सर्जरी कोई भी हो, तो उन लोगों में विटामिन ई की कमी का खतरा बना हुआ रहता है। और जो बच्चे 5 साल से नीचे के हैं, उनमें भी विटामिन ई की ई का खतरा बना हुआ रहता है। ठीक है, और जो लोग मोटे होते हैं, उन लोगों में भी विटामिन ई की कमी का खतरा बना हुआ रहता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं और या अत्यधिक मात्रा में टीवी देखने का काम करते हैं, तो उन लोगों में भी विटामिन ई की कमी का खतरा बना हुआ रहता है। और जो बुजुर्ग होते हैं, यानी कि अबाउट 60 एज से ऊपर वाले, तो उन लोगों में भी विटामिन ई का खतरा बना हुआ रहता है। तो अब विटामिन ई की कमी के कारण हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले सिम्टम्स में आते हैं, हमारे जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम होने लग जाती है, या हमें दिक्कत आने लग जाती है, हमारी सांस फूलने लग जाती है, या हमें चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है, तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो थोड़ा कम होने लग जाती है। ठीक है, ब्रेन हैमरेज, यानी कि माइंड होता है जो, उसमें ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम आने लग जाती है अगर हमारी विटामिन ई की कमी शरीर में है। ठीक है, और हार्ट कारण हमारे शरीर में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी आने लग जाती है। ठीक है, किसी को भी हो सकता है अगर जिसके शरीर में विटामिन ई की कमी है। ठीक है, उसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी वीक होने लग जाती है, यानी कि चलना, उठना, बैठना, फिरने में हमें जल्दी थकान लगने लग जाती है, या हम कोई काम कर रहे हैं उसमें जल्दी थकान महसूस होने लग जाती है। ठीक है, मांसपेशियों में भी वीकनेस आने लग जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि सुकड़न आने लग जाती है, तो मतलब जैसे एक होता है कि नॉर्मल मांसपेशियां सामने दिखने लग जाती है, आपको सूखने लग जाती है मांसपेशी। ठीक है, और उसके साथ जो बालों का झड़ना भी आने लग जाता है। ठीक है, और जो हमारे जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो अच्छे से काम करता नहीं है अगर हमें विटामिन ई की कमी आती है। ठीक है, और एनर्जी भी साथ साथ वीक होने लग जाती है, जो हमारी काम करने की क्षमता है वो कम होने लग जाती है अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो। ठीक है, उसके साथ साथ अब मैं आपको कुछ उपचार बताऊंगा कि किस प्रकार आप विटामिन ई की कमी को शरीर में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्टाइल है, लाइफ स्टाइल, उसको चेंज करें, यानी कि लाइफ स्टाइल मतलब जो हम खाते पीते बैठते हैं या जो भी हम एक्टिविटी दिन भर में करते हैं उसको सही करें। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम योग को अपनाएं। ठीक है, नियमित हम सुबह या तो आप शाम योगा का अभ्यास कीजिए 1 आवर्स कम से कम, और उसके साथ साथ हम 3 किलोमीटर रोजाना वॉक जरूर करें, 3 नहीं तो 2 किलोमीटर कम से कम। सुबह आपको समय लगता है तो सुबह कीजिए, शाम को लगता है तो शाम को करिए, लेकिन उसको अपने लाइफ स्टाइल में लाइए। ठीक है, और उसके साथ प्रॉपर डाइट, यानी कि एक संतुलित आहार, वो बहुत जरूरी है कि आप सुबह, दिन में और शाम को 3 टाइम एक टाइम टेबल के साथ एक संतुलित आहार कीजिए, और अपने टाइम टेबल को भी बदल लीजिए कि आप सुबह जल्दी उठिए और उसके बाद ब्रेकफास्ट टाइम से कीजिए, दिन का खाना दिन में टाइम पे कीजिए, रात का भी जल्दी कीजिए, ताकि हम आपके जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो और अच्छा हो, और जिससे हमें
इस इन समस्याओं से, इस बीमारी से या इसकी कमी को दूर करने में मदद मिले। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमें डाइट, कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए अगर हमें विटामिन ए की प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो सबसे पहले आते हैं हम पालक में, जो पालक का साग होता है यानी कि हरी सब्जी में आता है आपका पालक हो गया, ठीक है, नियमित। और बादाम का सेवन कीजिए नियमित, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका सूरजमुखी के बीज होते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ आ गया एग आ गया, ठीक है, और ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, या उबली हुई सब्जियां जो भी हैं उनका सेवन कीजिए, ठीक है, सोयाबीन ऑयल का, और उसके साथ साथ ये पपीता वगैरह का भी सेवन कीजिए, तो जिससे आप विटामिन ई की कमी को पूरा कर पाएंगे। तो ये कुछ थोड़े से टिप्स थे जो आपको मेरे द्वारा दिए गए हैं। आशा करता हूँ कि ये आपके काम आए या आपको कुछ मदद कर रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।